नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 29 सितंबर सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों सबसे पहले डालते हैं सिर के पर। मुस्लिम संगठन PFI पर लगे प्रतिबंध को लेकर लालू यादव का मोदी पर बड़ा हमला, कहा मोदी सरकार RSS पर भी लगाए प्रतिबंध। योगी सरकार का मुस्लिम छात्राओं को लेकर बड़ा ऐलान, सर्वे के बीच मदरसों के छात्रों को सम्मानित करेगी योगी सरकार। PFI बैन का आम आदमी पार्टी ने किया समर्थन, कहा नफरत फैलाने वालों के साथ ऐसा ही हो। बिहार में मोदी सरकार का पर्दाफाश करने के लिए JDU ने निकाला मार्च, सांप्रदायिक एजेंडे से गुमराह करने का लगाया आरोप। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर कब्जा करने की योगी सरकार ने की तैयारी, आजम खान फिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, योगी सरकार पर कार्रवाई करने की मांग। कोर्ट से भाजपा को लगा बड़ा झटका, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को कोर्ट ने दी जमानत, रिहा करने का आदेश किया जारी। राजकुमार सलमान को सऊदी अरब का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, अमेरिका की उड़ी नींद है। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लीजिए। फड़के मन कैलकुलेशन, PFI बैन को लेकर लालू यादव का मोदी पर बड़ा हमला, कहा RSS को भी बैन करे मोदी सरकार। चौंसा पदे मोदी सरकार द्वारा मुस्लिम संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद RJD के अध्यक्ष लालू यादव ने मोदी पर बड़ा हमला बोला है। लालू यादव ने RSS पर अब प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले RSS को बैन करिए, ये उससे भी बदतर संगठन है। लालू यादव ने कहा कि RSS पर दो बार पहले भी बैन लग चुका है और सबसे पहले RSS पर प्रतिबंध लोह पुरुष सरदार पटेल ने लगाया था। लालू यादव ने कहा कि PFI की तरह जितने भी नफरत फैलाने वाले संगठन है सभी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिसमें RSS भी शामिल है। सबसे पहले RSS को मोदी सरकार बैन करे, क्योंकि ये PFI से भी बदतर संगठन है और देश में लगातार नफरत फैला रहा है। इसी के साथ परीक्षा मंडल कैलकुलेशन, योगी सरकार का मदरसों के बच्चों को लेकर बड़ा ऐलान, सर्वे विभाग के बीच मदरसों के बच्चों को सम्मानित करेगी योगी सरकार। चौंसा पदे उत्तर प्रदेश में चल रहे सर्वे विवाद के बीच योगी सरकार मदरसों के प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करेगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि मदरसों के कुछ प्रतिभाशाली बच्चे जिन्होंने NET परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें सम्मानित किया जाए, ताकि अन्य बच्चों में उच्च शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो और मदरसों के बच्चों में आगे बढ़ने व पढ़ने की प्रेरणा जगाई जा सके। धर्मपाल सिंह ने कहा कि मदरसों की शिक्षा के आधुनिकीकरण से छात्र एवं छात्र राज्य सरकार की मंशा के अनुसार डॉक्टर, इंजीनियर, IAS व उच्च पदों पर चयनित हो सकेंगे। यही नहीं, मदरसों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से उनके अभिभावकों के खाते में धनराशि भेजी जाएगी, जिससे छात्र छात्राएं सुविधा अनुसार किताबों को खरीद सके। जो सो पलान योगी सरकार ने आज किया है, देखते हैं सम्मानित करेगी योगी सरकार उस सम्मान में मुस्लिम बच्चों को योगी सरकार क्या देती है। इसी के साथ परीक्षा मंडल कैलकुलेशन, PFI बैन का आम आदमी पार्टी ने किया समर्थन, कहा नफरत फैलाने वालों के साथ ऐसा ही हो। चौंसा पदे आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मुस्लिम संगठन PFI पर लगे प्रतिबंध का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी संस्था यदि देश के अंदर गैर कानूनी काम करती है या देश में नफरत फैलाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। संजय सिंह ने कहा कि आज एक तरफ पूरा देश महंगाई से करा रहा है, बेरोजगारी के चलते युवा आत्महत्या कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है, वह 24 घंटे केवल मुकदमे दर्ज कराने में लगी है। उन्होंने कहा कि कल आम आदमी पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता विजय नायर को मोदी ने गिरफ्तार कर लिया, वह आम आदमी पार्टी में कम्युनिकेशन का काम देखते हैं। दिल्ली और पंजाब के बाद उन्हें गुजरात में पार्टी के लिए कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी दी गई थी, इसलिए उनके यहाँ रेड किया गया। दबाव बनाया गया कि वह मनीष सिसोदिया का नाम लें। इससे पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, फिर अमानतुल्ला खान को, अब ये मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर लेंगे, इनका यही काम है। इसी के साथ परीक्षा मंडल कैलकुलेशन, बिहार में मोदी सरकार का पर्दाफाश करने के लिए JDU ने निकाला मार्च, संप्रदाय के एजेंडे से गुमराह करने का लगाया आरोप। चौंसा पदे बिहार में JDU ने मोदी सरकार के झूठ को बेनकाब करने के लिए ब्लॉक स्तर पर अलर्टनेस एंड अवेयरनेस मार्च शुरू किया है। पटना में JDU अध्यक्ष ललन सिंह, MS नीरज कुमार, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और अन्य पार्टी नेताओं ने
पटना हाई कोर्ट में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से मार्च शुरू किया और गांधी मैदान में गांधी महात्मा गांधी की प्रतिमा पर समापन किया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस अवसर पर कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी नरेंद्र मोदी ने हर देशवासियों को 15 लाख रुपए नकद, प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी, विदेश में क्षमा, काला धन वापस लाने का वादा किया था। वे न केवल 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करने में विफल रहे बल्कि उन्होंने मोदी सरकार केंद्र सरकार की नियुक्तियों को भी समाप्त कर दिया। उन्होंने अपने व्यवसायी दोस्तों को हर विभाग सौंप दिया। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप देश बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि, डॉलर के मुकाबले रुपयों के घटते मूल्य की समस्या का सामना कर रहा है। ये देश के वास्तविक मुद्दे हैं लेकिन वे इस पर चर्चा नहीं करेंगे और सांप्रदायिक एजेंडे से लोगों को गुमराह करेंगे। इसी के साथ पढ़ी मन कैलकुलेशन, जौहर यूनिवर्सिटी पर एक बार फिर योगी सरकार ने कब्जा करना किया शुरू। आजम खान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, चौंसा पदे। सपा नेता आजम खान के खिलाफ यूपी सरकार द्वारा 3 नए केस दायर करने और रामपुर स्थित उनकी जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ ताजा कार्रवाई और कथित रूप से अधिग्रहण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आजम खान की ओर से सीसीआई यूयू ललित की पीठ के समक्ष उनके वकील कपिल सिब्बल ने शिक्र किया और मामले की सुनवाई का आग्रह किया। सिब्बल ने कहा कि आजम खान पर हमले पहले से 87 केस थे, अब 3 और लगा दिए गए। उन्हें मुश्किल से जमानत मिली थी, अब ये नए केस बना दिए गए हैं। सिब्बल ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी में नगर निगम की मशीन मिलने से लेकर कई अन्य तरह की बातें कही जा रही हैं। यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई से बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो गई है। वकील कपिल सिब्बल की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को आजम खान की याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। याचिका में कहा गया है कि योगी सरकार कथित तौर पर यूनिवर्सिटी के अतिग्रहण की तैयारी में है, यानी कि यूनिवर्सिटी पर योगी सरकार कब्जा करने की तैयारी कर रही है। यूनिवर्सिटी के खिलाफ सरकार के अन्य अनुचित कार्य को भी चुनौती दी गई है। सीसीआई उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति जे बी पारिदीवाल की पीठ ने बुधवार को सिब्बल की दलील पर गौर किया कि राज्य सरकार इस निजी विश्वविद्यालय के खिलाफ कई तरह की कार्रवाई कर रही है। इस पर सीसीआई ने कहा कि मामले को गुरुवार को उपायुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, योगी सरकार ने आजम खान यूनिवर्सिटी पर अब कब्जा करने की तैयारी शुरू कर ली है। इसको लेकर अब आजम खान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इसी के साथ पढ़ी मन कैलकुलेशन, राजकुमार सलमान को सऊदी अरब का प्रधानमंत्री बना गया, चौंसा पदे। सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान को शाही आदेश द्वारा मंगलवार को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान राजा सलमान के उत्तराधिकारी हैं और उनके पास पहले से ही बहुत सी शक्तियां हैं। राज काज के रोजमर्रा के काम भी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान ही देखते हैं। सऊदी प्रिंस एजेंसी ने मोहम्मद बिन सलमान की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति की खबर दी है। शाही आदेश में कहा गया है कि राजा सलमान मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना जारी रखेंगे। 35 वर्षीय राजकुमार सलमान को MBS के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मोहम्मद बिन सलमान 2030 तक सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को बदलना और तेल पर उसकी निर्भरता को खत्म करना चाहते हैं। बीते दिनों राजकुमार सऊद मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति शो बाइडन को अपनी ताकत के आगे झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। मोहम्मद बिन सलमान ने सत्ता में आने के बाद आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सुधार देखकर रूढ़िवादी तेल महाशक्तियों को पलटकर रख दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अरब की आधिकारिक यात्रा तक करनी पड़ी थी। इस यात्रा को राजकुमार सलमान की जीत के तौर पर देखा गया था। राजकुमार सलमान को 2018 में हुई पत्रकार खामोश खासोगी की हत्या से भी जोड़कर देखा। इसी के साथ पढ़ की मन कैलकुलेशन, भाजपा को लगा पड़ा झटका, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को कोर्ट ने दी जमानत, चौंसा पदे। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को राउच NBU कोर्ट से जमानत मिल गई है। अमानतुल्लाह खान को वक्त बोर्ड भर्ती में गड़बड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अमानतुल्लाह खान दिल्ली की ओखला सीट से विधायक है। उन्हें 16 सितम्बर को गिरफ्तार किया गया था। अमानतुल्लाह खान को 16 सितम्बर को गिरफ्तार करने से पहले दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने उनके घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। के वक्त अमानतुल्लाह खान के सहयोगी के ठिकानों से 12 लाख रुपये और कारतूस के साथ एक बिना लाइसेंस वाला हथियार भी बरामद किया गया था। इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। इससे मामले में आम आदमी पार्टी का कहना है कि अमानतुल्लाह खान पर दर्ज केस फर्जी है। पार्टी का कहना है कि खान को एक निराधार मामले में गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी के दौरान उनके आवास या कार्यालय से कुछ भी नहीं मिला। विधायक को झूठे मामले में फंसाने और हमारी पार्टी को बदनाम करने की ये नई साजिश है। दरअसल आपको बता दें, अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर रेड के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने और आर्म्स
एक्ट के तहत पुलिस ने 3 मामले दर्ज किए थे। दरअसल रेड के दौरान अहमदुल्ला खान के समर्थकों पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद उनके 2 सहयोगी घर से पिस्तौल मिली थी, जिसको लेकर दक्षिण पूर्वी जिले के पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आज अमानतुल्लाह खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान यानी कि आम आदमी पार्टी के विधायक को जमानत दे दी और भाजपा को बड़ा झटका दिया है।